ग्रेट। और अभी हम लोग आ चुके हैं भाई के गैरेज के ऊपर। क्यों आए हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अपाचे अपनी वापिस बिगड़ चुकी है बिल्कुल ही। इसके अंदर बैटरी का कुछ तो इश्यू आ रहा था, कल रात को मैंने निकाली थी, तब जब ऑन कर रहा था तब ये पूरा का पूरा डिस्प्ले चला जा रहा था। तो रात को तो मैंने इसको रख दिया था, एक्सेस पर घूमे थे कल रात को मस्त। पर आज वैसे मुझे जाना था आनंद, और वो प्लान बिल्कुल ही ऐसा डिले हो चुका है। कॉलेज वॉलेज सब स्टार्ट हो चुका है और हम लोग अभी खड़े हुए हैं सूरत के अंदर। तो बहुत ही दिक्कत हो गई है, पर कोई बात नहीं, भाई ने अभी बोला है कि मस्त एकदम बैटरी का काम कर डालेंगे। और इसके अंदर छोटा वाला बैटरी आता है अपाचे के अंदर, तो अभी भाई ने बोला कि इसके अंदर बड़ा वाला डालना पड़ेगा, उसके बिना ये नहीं काम कर पाता है क्योंकि इसका इंजन और वो सब बड़ा रहता है ना भाई। तो दोस्तों अभी तो भाई अपने बैटरी लेने के लिए गए हैं, ये देखो आ गए हैं। और अभी मस्त एकदम बैटरी डालेगी, फिर आनंद जाना हो पाएगा। आज तो बहुत ही मतलब काम ऊपर नीचे हो गया है सारा का सारा, और सुबह के हम लोग दौड़ रहे हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अभी हम लोग खड़े हुए हैं माँ चामुंडा ऑटो गैरेज पर, जो कतारगाम में पड़ता है। ये है अपने तुषार भाई और ये है अपने अजय भाई, दोनों एकदम मस्त मेहनत कर रहे हैं। सोलांस का बैटरी मिल चुका है, पर अभी हमें लगवाना है एमरॉन वाला। तो भाई थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। कल रात के चप्पल मेरे गायब है, तो नंगे पैर ही घूमना पड़ रहा है अभी। तो कल मैं घूम रहा था और मेरा चप्पल टूट गया, तो फिर मैंने सोचा कैसे डाल देते उसको, और अभी हमारे पास कुछ पैर में कुछ था नहीं। और मुझे सुबह सुबह आज निकला था आनंद, तो मुझे ऐसा हुआ कि कोई बात नहीं, डायरेक्ट आनंद होकर फिर उधर, तो अपने पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो उधर जाके कुछ करेंगे। पर इसने बहुत ही दिक्कत करवाई है आज, पर कोई बात नहीं, सह लेंगे और तो क्या ही है ना भाई। नई बैटरी डाल देंगे ना। फिलहाल दिक्कत ये है कि भाई लेके आए थे सोलांस का बैटरी और हमें चाहिए था एमरॉन वाला। तो अभी वो एमरॉन का 9LB का जो बैटरी आता है वो पता नहीं मिल नहीं रहा है, ऐसा कुछ शॉर्टेज है। क्योंकि वो भाई एकदम मस्त से ढूंढ रहे हैं, वो गए हैं, बोल रहे हैं कि मैं लगा के ही दूंगा आपको, ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो कोई बात नहीं, ढूंढ रहे हैं अभी, यहाँ पर वेट कर रहे हैं भाई का, देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं, देखते रहिए। 1 hour later। और दोस्तों सारी चीज़ें कम पड़ रही थी, तो बारिश भी शुरू हो चुकी है, तो ऐसा ही कुछ माहौल होके रखा हुआ है अचानक से ही। तो फाइनली अपनी एमरॉन वाली बैटरी आ चुकी है, भाई लेके मस्त एकदम आ गए हैं। पर बारिश की वजह से शायद लेट हुए, वो ऐसा लग रहा है कि बारिश अचानक से शुरू हो चुकी थी। है एकदम काम बढ़िया तरीके से। दोस्तों और एक दिक्कत, इसके ऊपर जो क्लैंप था वो छोटी बैटरी का था, अभी ये बड़ी आ गई है तो इसके अंदर क्लैंप भी नहीं लग रहा है। अभी भाई अपने पता नहीं कुछ जुगाड़ कर रहा है, शायद ठीक हो जाए। तो आज का पूरा व्लॉग दिक्कतों से भरा हुआ है जैसे कि आप लोग देख रहे हो, पर कोई बात नहीं, बहुत ही मजा आ रहा है। कल रात से ये सारी दिक्कतें शुरू है और अभी बज रहे हैं शायद 12, अभी भी दिक्कतें शुरू की शुरू हुई है, पर हो रहा है, धीरे धीरे काम चल रहा है अपना। भाई ने बोला कुछ जुगाड़ करते हैं, और नहीं होगा तो फिर इसके अंदर नया क्लेम डालना पड़ेगा, ऐसा सब है। दोस्तों ये वाला है FB-BTX-9R करके बैटरी है, वो वाला है, और एकदम ओके हो चुका है काम। अभी ये मेरे को पड़ा है तकरीबन 2300 रुपये का, 2350 रुपये के आसपास का। और अभी देखते हैं इसका क्या क्या परफॉर्मेंस है, कैसा रहता है, मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। अभी तो जस्ट फिलहाल डलवाया है, और मेरे पास पहले था एक्साइड वाला बैटरी, उसकी जगह पर मैंने अभी ये वाला डलवाया है। भाई ने बोला इसके अंदर बड़ा वाला डाल दो तो बड़ा वाला सही रहता है, तो बोला ठीक है, तो हो चुका है। भाई ने तोड़ ताड़ के एकदम जुगाड़ करके मस्त लगा दिया है, अभी सब फिलहाल ओके हो चुका है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। और एक चीज, कल रात का नंगे पैर घूम रहा हूँ, मानो जमीन से जुड़ गया, वो ऐसी फीलिंग आ रही है कल रात से, बहुत ही बढ़िया लग रहा है।
तो बड़ी मशक्कत के बाद फाइनली पहुंच गए हैं ऊपर। और अभी आज आनंद जाने का तो कोई प्लान बन नहीं रहा है क्योंकि पूरा दिन इसमें निकल गया, अभी पैकिंग वैकिंग भी करना है, तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो यही था आज का ब्लॉग, मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बना डालता हूँ। जो पूरा बैटरी वैटरी के ऊपर बहुत सारी दिक्कत थी, अगर आपकी अपाचे के अंदर भी वो छोटी वाली बैटरी हो तो उसको बड़ी से अपग्रेड कीजिए फटाफट, वरना ये वाली दिक्कत कभी भी आ सकती है। ठीक है, किसी बड़ी राइड पर तो नहीं थे, छोटी राइड पर ही थे, तो इतनी मतलब राइड पर थे ही नहीं, घर पर ही थे, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर कोई बड़ी राइड पर होते या छोटी राइड पर भी होते हाईवे वाई पर फंसते तो बहुत ही बुरा फंसने वाले थे अगर ये दिक्कत करती तो कोई बात नहीं। डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। टिल देन स्टे ट्यून्ड और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए।